हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक टी टाइम स्नैक रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी चूड़ा, 2 चम्मच बादाम, 10 से 12 करी पत्ता, 2 हरी मिर्च, ग्रेट किए हुए आलू चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। हमें कढ़ाई को हम अच्छी तरह से हीट होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें चूड़ा को डालेंगे। इसमें हम कोई तेल नहीं डालेंगे। और इसे हमें दोस्तों हाई फ्लेम पर ही भूनना है। इसमें और जब आपको लगे कि आपका कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया है, ये तले में चिपकने लगे, तो आप इसका फ्लेम कम कर सकते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों। आप इसे एक दिन बना करके एक सप्ताह स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा चूड़ा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसमें इसका कलर थोड़ा डार्क होने लगा है। चूड़ा को हमें हाई फ्लेम पे ही भूनना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा चूड़ा भूनते भूनते भून गया है। अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इस तेल में आलू को फ्राई कर लेंगे। हम थोड़े थोड़े ही आलू दे करके इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा आलू कितनी जल्दी फ्राई हो गया। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी चैनल की रेसिपी अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह हम हमारे बचे हुए आलू को भी
डालकर फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और फ्रेंड्स, हमें आलू को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, वरना वो पक जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। डार्क होने पे हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों, हमने आलू को फ्राई करके अब निकाल इसी लिया। तेल में हम बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम कम करके रखें, वरना बादाम जल जाएगी। इसमें से तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में मिर्ची कड़ी पत्ता और हल्दी ऐड कर देंगे। हम इसमें ड्राई कोकोनट के पीस भी कट करके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिर्ची कड़ी पत्ता अच्छे से तेल में फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे हम भुना हुआ चूड़ा डालकर मिला लेंगे अच्छे से। गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार इस नमक ऐड करेंगे। और बाकी बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा इवनिंग स्नैक तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये लग रहा है ना एकदम कलरफुल। आप इसे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से घर में कभी भी बना सकते हैं।